हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। आज हम बात करेंगे आपके साथ करण देओल और दृश्याचार्य को लेकर। दरअसल करण देओल और दृश्याचार्य, जिनकी हाल फिलहाल में शादी हुई, शादी के बाद रिसेप्शन हुई, यहां पर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहा है किसी और को लेकर नहीं, बल्कि करण देओल और दृश्याचार्य की शादी और रिसेप्शन में आखिर कौन कौन सेलिब्रिटी आए, कौन कौन नहीं आए, किन्हें इन्विटेशन दिया गया, किन्हें नहीं दिया गया, और कौन अपनी दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इशारा आप समझ गए होंगे किसी और की तरफ नहीं, बल्कि हेमा मालिनी की तरफ है। दरअसल यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें दावा किया गया कि हेमा मालिनी ने किया है बहू दृश्या का बहुत ही शानदार तरीके से गृह प्रवेश। क्या है इस वायरल तस्वीर के पीछे की पूरी सच्चाई, देखिए ये वीडियो। बधाई हो, फाइनली वो पल आ चुका है जब एक दूसरे के हो चुके हैं हमेशा के लिए करण देओल और दृश्याचार्य। जी हाँ, फाइनली करण देओल अपनी लेडी लव दृश्याचार्य के साथ शादी के बंधन में बन चुके हैं। करण अपनी दुल्हनिया को लेने जोरों शोरों से घोड़ी पर बारात लेकर निकले थे। करण और दृश्या की शादी की रस्में पूरी हो चुकी है। करण और दृश्या सात फेरे लेकर हमेशा के एक दूजे के हो चुके हैं। करण की शादी से जुड़ी हर एक अपडेट सोशल मीडिया पर सामने आई है। आपको बताते चले कि किस तरह से करण देओल और दृश्या की शादी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जी हां, आप सबको बताते चले कि करण देओल और दृश्याचार्य एक दूसरे के हो चुके हैं। 18 जून को परिवार की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई। इसके बाद एक्टर ने अपनी दुल्हनिया के साथ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की। देओल परिवार में इस वक्त जश्न का माहौल है क्योंकि उनके लाडली बेटे करण की शादी हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि करण की शादी की रस्में पूरी हो चुकी है। अब करण और दृश्या पति पत्नी बन चुके हैं और दोनों को नए सफर की ढेरों शुभकामनाएं लगातार सोशल मीडिया पर मिल रही है। और साथ ही कई बॉलीवुड स्टार्स उनकी शादी और रिसेप्शन पर पहुंचे, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दी। अब इसी के साथ आप सबको बताते चले कि आज हम देने वाले हैं अपडेट आप सबको किसी और से जुड़ी नहीं, बल्कि करण देओल और दृश्याचार्य से जुड़ी। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि करण देओल और दृश्याचार्य की शादी फाइनली पूरी हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ सवाल यहाँ पर ये था, जब करण और दृश्या की शादी की अनाउंसमेंट हुई थी, जब कुछ ही दिन रह गए थे करण और दृश्या की शादी में, 18 जून को शादी थी करण की, ऐसे में सवाल किया गया था कि क्या हेमा मालिनी के साथ उनकी दोनों बेटियों को करण देओल की शादी का वेडिंग इनविटेशन पहुंचा है, गया है या फिर नहीं। तो ऐसे में खबर आई थी कि हाँ, परिवार सनी देओल के परिवार ने अच्छे से हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों को करण देओल की शादी का न्योता भेजा है। लेकिन इसी के साथ आप सबको बताते चले कि शादी के इसी खास मौके पर, इसी खास परिवार के बीच यहाँ पर जब खबर आई हेमा मालिनी को लेकर, तो सबको इंतज़ार था कि भले ही हेमा मालिनी करण देओल और दृश्या की मेहंदी संगीत और हल्दी सेरेमनी पर नज़र ना आई हो, लेकिन वो शादी में ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन जब वो शादी पर भी नज़र नहीं आई, तो सभी को लगा कि हो सकता है कि हेमा या फिर उनकी दोनों बेटियां करण और दृश्या की वेडिंग रिसेप्शन में नज़र आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब ऐसे में खबर है करण देओल और दृश्याचार्य को लेकर, जहाँ पर दावा किया गया। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर सवाल सिर्फ एक था कि क्या हेमा मालिनी करण देओल की शादी या फिर उनकी रिसेप्शन में पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर तो कई सारी वीडियोज आई करण देओल और दृश्याचार्य की शादी की, उनकी रिसेप्शन की, लेकिन कहीं भी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां नजर नहीं आई। ऐसे में एक खबर ये भी आई थी कि 42 साल पुराना बदला हेमा मालिनी ने लिया है देओल परिवार से, और वो बदला ये है कि जब प्रकाश कौर ऑलरेडी शादीशुदा थी धर्मेंद्र से, और धर्मेंद्र ने करी थी शादी हेमा मालिनी से, उस दौरान प्रकाश कौर, सनी देओल और हेमा मालिनी के बीच खटपट हो गई थी, जिसकी वजह से सबने अलग अलग रहने का फैसला लिया था। और ये फैसला भी ले लिया था कि वो कभी भी फ्यूचर में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे और ना ही किसी पर कोई दबाव होगा। ऐसे में जब ईशा और आहाना की शादी हुई, तो यहाँ पर हेमा ने भी इनविटेशन दिया था, लेकिन सनी और बॉबी देओल ने शादी में जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अभी देओल ने भाई के सारे फर्ज निभाए और हेमा मालिनी के घर पे जाकर ईशा और आहाना की शादी पूरी करवाई। अब इसी के साथ आप सबको ये भी बताते चले कि आगे आप और हम सब देखने वाले हैं फाइनली एक और खबर, और ये खबर फिर से हेमा मालिनी को लेकर है। दरअसल बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी
कि एक तस्वीर वायरल हुई है और इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि जब फाइनली पूरी हुई ऋषाचार्य के साथ करण देओल की शादी और जब फाइनली अपनी दुल्हनिया को लेकर अपने देओल हाउस पहुंची करण देओल, तो यहां पर स्वागत प्रकाश कौर ने नहीं बल्कि हेमा मालिनी ने किया बहुत ही धूमधाम और धूमधाम के साथ बहुत ही आलिशान तरीके से। यहाँ पर तस्वीर है जिसमें हेमा मालिनी ने पूजा का थाल पकड़ा है, दृशा का गृह प्रवेश हो रहा है, करण देओल उनके साथ खड़े हैं और हेमा मालिनी गृह प्रवेश करवा रही है नई दुल्हन दृशा आचार्य का देओल हाउस में। अब ये तस्वीर जब सामने आई और खबर में जब दावा किया गया तो हमने सच जानने की कोशिश की और सच सामने ये आया कि यहाँ पर भरतनाट्यम करने के दौरान हेमा मालिनी की कुछ तस्वीरें थी जिसमें वो पूजा का थाल लेकर पूजा करती हुई नजर आ रही थी। उसी तस्वीर को यहाँ पर करण और दिशा की तस्वीर के साथ मर्ज करके फोटोशॉप की मदद से एडिट करके उसे इस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जिससे लोगों को यही लगा कि यहाँ पर फाइनली दिशा का गृह प्रवेश कोई और नहीं बल्कि हेमा मालिनी करवा रही है। इस रिपोर्ट को हमने खास तौर पर तैयार किया है आप सबके लिए ताकि आप सबको सच के साथ रूबरू करवा सके और आप सबको बता सके कि आखिर इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये खबर जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही और आगे की ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव को, जहां पर आप सबको हर एक खबर की मिलेगी अपडेट। अगर कोई फेक खबर वायरल भी होगी तो उसका फैक्ट चेक करके हम आपको बताएंगे और आज इस खबर का फैक्ट चेक ही हमने आपको बताया है जहाँ पर खोला है राज कि आखिर क्या है सच्चाई दृश्य के गृह प्रवेश के साथ साथ हेमा मालिनी के स्वागत की। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये थी आज की खास रिपोर्ट दृशा आचार्य करण देओल और हेमा मालिनी की उस वायरल तस्वीर को लेकर जिसका खुलासा हमने किया इस खास रिपोर्ट में। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।